तो फ्रेंड ये जो जटायु स्टैचू है ना, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इस पहाड़ी के ऊपर एक और चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पहाड़ी के ऊपर देखिए इतना बड़ा एक फुटप्रिंट बना हुआ है जो माना जाता है भगवान राम का। तो फ्रेंड लास्ट वीडियो में हमने पूवर्स बैकवाटर्स की जर्नी देखी थी, बड़ी अमेजिंग जर्नी थी वो भी 1.5 घंटे की। अब इसके बाद हम जाने हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए, जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल है। तो 40-45 मिनट का रास्ता यहाँ से है ये, तो पहले हम वहाँ पर दर्शन करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम जाएंगे फिर जटायु स्टैचू देखने। फ्रेंड्स अब हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आ चुके हैं, थिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में भगवान विष्णु को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। तो फ्रेंड बाहर से ही हम वीडियो फोटो ले सकते हैं, अंदर बिल्कुल भी कुछ भी अलाउड नहीं है। और इसके अलावा मंदिर में जब दर्शन करने हैं कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर ड्रेस कोड होता है। देखिए जो जेंट्स के लिए होता है वो अपर पार्ट में उन्हें बॉडी में कुछ नहीं पहनना है, और नीचे सिर्फ धोती पहननी है अंडरवियर के ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं पहन सकते। लेडीज़ के लिए या तो साड़ी पहननी हो, अगर साड़ी के अलावा कुछ और पहनना है तो उसके ऊपर भी उन्हें एक धोती बांध के फिर अंदर जाना अलाउड है। तो फ्रेंड्स मैं आपको मंदिर के अंदर की वीडियो तो नहीं दिखा सकता, पर मैं आपको फोटो के थ्रू समझाता हूँ किस तरह की मूर्ति भगवान विष्णु के अंदर है। देखिए भगवान विष्णु जो है रेस्टिंग पोस्चर में है शेषनाग के ऊपर, जिस शेषनाग के 5 मुँह हैं। भगवान विष्णु की जो नाभि है ना वहाँ से एक कमल का फूल निकल रहा है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। अब इसी वजह से इस मंदिर का नाम जो है ना पद्मनाभ स्वामी पड़ा है, क्योंकि पद्म मतलब कमल का फूल और नाभ मतलब नाभि, तो नाभि से जिनके कमल का फूल निकल रहा है वो है पद्मनाभ स्वामी, और उनका जो एक हाथ है वो भगवान शिवलिंग के ऊपर है। तो इस तरह से भगवान फ्रेंड ये यूनिक टेम्पल बन जाता है, जहाँ पर एक गर्भगृह के अंदर ही विष्णु जी भी हैं, शिव जी भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं, जो हिंदू धर्म में तीनों माने जाते हैं। फ्रेंड जो भगवान विष्णु की मूर्ति है वो इतनी बड़ी है ना, तो एक दरवाजे से हमें नहीं दिखती है, यहाँ पर 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा जो है उससे हमें भगवान विष्णु का मुँह दिखता है और उनका एक हाथ शिवलिंग के ऊपर है वो दिखता है। सेंटर वाले गेट से हमें दिखता है उनकी नाभि से कमल का फूल और ब्रह्मा जी, और जो तीसरा दरवाजा है वहाँ से हमें दिखते हैं भगवान विष्णु के चरण, और इसके अलावा बाहर गेट के ऊपर उनके जो दो गार्ड्स होते हैं भगवान विष्णु के जय और विजय वो तो बने हुए ही हैं। फ्रेंड्स इस मंदिर की एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो मंदिर है ये द रिचेस्ट हिंदू टेम्पल है वर्ल्ड का, और जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इसके जो सीक्रेट वॉल्ट और चैम्बर्स को खोलने का ऑर्डर दिया गया था तब भी 6 में से 5 ही वॉल्ट खोले गए थे, और वहाँ से भी लाखों करोड़ का सोना मिला था। अब जो वॉल्ट नंबर बी है इसको नहीं खोला गया, जिसके डोर्स पे स्नेक्स बने थे 2, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे भगवान विष्णु खुद बैठे हैं अंदर, और अगर जो इन गेट्स को खोल दिया गया तो दुनिया में परले आ जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस मंदिर के बारे में है। तो फ्रेंड्स पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हमने रिजर्वेशन कर लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं जटायु स्टैचू देखने, जो चढ़ाया मंगलंग नाम का एक टाउन है यहाँ पर केरला में, त्रिवेंद्रम से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर पड़ता है। तो अब हम वहाँ पर चलते हैं। फ्रेंड्स हम जटायु स्टैचू के पास आ चुके हैं, चढ़ाया मंगलंग नाम का ये टाउन है केरला का। तो फ्रेंड 50 रुपीज यहाँ पार्किंग का चार्ज था। तो फ्रेंड सामने जो पहाड़ी है उसके ऊपर जटायु स्टैचू बना हुआ है, तो यहाँ से तो हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है वो। फ्रेंड मैं थोड़े पीछे आया हूँ लेकिन यहाँ से भी स्टैचू नहीं दिख रहा है, यानी कि ऊपर जाने के बाद ही दिखेगा स्टैचू हमें।
तो फ्रेंड यहाँ का जो चार्ज है एंट्री टिकट वो 500 रुपये है, जिसमें से 250 रुपये एंट्री टिकट प्लस 250 रुपये उड़न खटोला का चार्ज। तो आप पैदल जाना चाहते हैं, उड़न खटोला में नहीं जाना चाहते, तो आपके सिर्फ 250 रुपये लगेंगे। पर हमने उड़न खटोला की भी टिकट लिया साथ में, तो आइए हम उड़न खटोला की सैर आपको कराते हैं और जटायु स्टैचू तक पहुँचते हैं ऊपर तक। फ्रेंड जहाँ पे लिस्ट लगी हुई है इस कंपनी ने और कहाँ कहाँ पे उड़न खटोला लगाए हैं, तो फ्रेंड जी यहाँ ऊपर सेकंड फ्लोर तक आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें उड़न खटोला लेना है, ऊपर जटायु स्टैचू तक जाना है। फ्रेंड जी यहाँ की जो उड़न खटोले हैं ना, इसकी अलग बात क्या है, ये ना लगातार चलती रहती हैं, यानी कि चलते चलते देखिए सामने से लोग उतर रहे हैं उसके अंदर से, और चलते चलते में हमें इसके अंदर चढ़ना है। बट खैर स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है कि ना चढ़ सके। थोड़ा थोड़ा हमें जटायु दिखना यहाँ से शुरू हो गया, बड़ा ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से भी उड़न खटोला के अंदर से। तो फ्रेंड इस सामने देखिए यहाँ से हमें सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं जो पैदल जाने का रास्ता है ऊपर तक। फ्रेंड तकरीबन 8 मिनट की गंडोला राइड करके अब हम ऊपर आ चुके हैं जटायु स्टैचू पे फाइनली। तो फ्रेंड यहाँ से जटायु स्टैचू तो बड़ा अमेजिंग लग ही रहा है, और आसपास जिस पहाड़ी के ऊपर हम खड़े हैं ना, वहाँ से व्यूज़ भी बड़े अमेजिंग है आसपास के भी। तो फ्रेंड इसके बारे में और चीज़ें हम जानते हैं अभी, तो सबसे पहले ना मैं इसके अपोजिट साइड में आपको लेकर चलता हूँ स्टैचू के, तब चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आएंगी ऐसा बना हुआ क्यों है। तो फ्रेंड हम दूसरी तरफ जटायु स्टैचू का खड़े हुए हैं, और ये देखिए कितने बड़े पंख यहाँ पे इसका बना हुआ है। हम दोबारा से अपोजिट साइड पे चलते हैं जहाँ से हमने एंट्री करी थी, अब वहाँ पे देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड इस साइड देखिए जटायु का पंख नहीं है, उस साइड इतना बड़ा पंख था। तो पूरी लॉजिकली ये स्टोरी के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि जब रावण ने इसका एक पंख काट दिया था तो जटायु जो है इस पहाड़ी पर आके गिरा था, तो उसी स्टोरी के ऊपर ये पूरा स्टैचू डिज़ाइन किया गया है। तो फ्रेंड ये पूरी स्टोरी वो जटायु वाली यहाँ पर लिखी हुई है, रामायण के अरण्यकांड के अंदर ये स्टोरी आती है, जब रावण सीता हरण करके लेके जा रहा था तो जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश करी थी। और फ्रेंड इसी कारण से देखिए स्टैचू पे लिखा हुआ डेडिकेटेड टू वुमेन सेफ्टी एंड ऑनर। यहाँ पे म्यूजियम भी है लेकिन वो तो अभी बंद पड़ा है, वहाँ तो हम जा नहीं सकते। इसके अलावा फ्रेंड इस स्टैचू के जो स्कल्पचर हैं, यानी इसके डिज़ाइनर है श्री राजीव अंचल, उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो एक फिल्म डायरेक्टर भी रह चुके हैं और 10 फिल्म डायरेक्ट भी कर चुके हैं मलयालम सिनेमा में। और स्टैचू की डिटेल लिखी हुई है कि यह 200 फीट लॉन्ग और 75 फीट टॉल है। फ्रेंड जटायु स्टैचू के अलावा इस पहाड़ी के ऊपर एक भगवान राम का मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस पहाड़ी के ऊपर है, देखिए कि ये फुटप्रिंट बना हुआ है काफ़ी बड़ा सा, और माना जाता है कि ये भगवान राम का ही फुटप्रिंट है। तो फ्रेंड आज हमने आपको जटायु स्टैचू दिखाया, तो आप भी कभी त्रिवेंद्रम आ रहे हैं पद्मनाभ स्वामी में दर्शन करने के लिए तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है देखने के लिए। तो फ्रेंड अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।